टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी ट्रेडिशन को दुनिया को परिचित कराना होगा। टूरिज्म में बहुत ताकत होती है भाइयों बहनों। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। भाइयों बहनों, हम टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन परंपराओं को हम आगे लेकर के चलें। भाइयों बहनों, इन दिनों एक नई शब्दावली हमारे सामने आई है, मैं आज उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं माय आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों के आइडिया ऑफ इंडिया हो सकता है। ये किसी की जागीर नहीं हो सकती, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, यहां पर बैठे लोगों का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। और इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता है। मैं आज माय इंडिया ऑफ आइडिया की बात आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म, माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वतः, माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव, माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, माय आइडिया ऑफ इंडिया न तम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम, माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है, माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे परधन जाले हाथ रे परधन नव जाले हाथ रे, माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी, माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा, माय आइडिया ऑफ इंडिया नरकर्णी करे तो नारायण हो जाए। भाइयों बहनों, माय आइडिया ऑफ इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तब, और जब हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं तब, आप सब मेरे साथ नारा बुलवाएंगे, दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, मैं बोलूं उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, पूरे हाथ ऊपर करके बोलेंगे वंशवाद के मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए,
भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया का हमारा जो सपना है, देशवासी भाइयों बहनों, हम यहां से जब विदाई लेंगे, आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद लेकर के आज हम अपने इलाके में जा रहे हैं, हम विजय का व्रत लेकर के जाएं, हम तो विजय व्रती बने, हमारे हर साथी को विजय व्रती बनाएं। और भाइयों बहनों, ये बात याद रखें कि चुनाव का विजय का गर्भाधान, चुनाव के विजय का गर्भाधान पोलिंग बूथ में होता है। पोलिंग बूथ विजय की जननी होती है, और जो जननी होती है उसकी हिफाजत करना हमारा दायित्व होता है। इसलिए पोलिंग बूथ की हिफाजत हो, पोलिंग बूथ की चिंता हो, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प हो, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े और भारत दिव्य बने, भारत भव्य बने, इस सपने को साकार करने के लिए देशवासियों की शक्ति को हम साथ मिलकर के वोट में परिवर्तित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ये काम दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब एक चाय वाला चुनाव लड़ता है, आप देश को कहेंगे कि मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपना कुछ नहीं है, और आप कहेंगे तो 10 करोड़ परिवारों से फंड जरूर मिलेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस बार भाजपा को धन देने के लिए उमंग से आगे आएगा। और हम तय करें मित्रों, हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के धन से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया, 2012 के गुजरात के चुनाव में गुजरात के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया इकट्ठा करके चुनाव लड़ा 2012 दिसंबर में। 3-3 बार सरकार, और एक प्रकार से गुजरात में तो 7 बार से सरकार है, लेकिन मुझे पिछले 4 बार से अवसर मिला है। कार्यकर्ताओं ने लोगों से पैसे लेकर के धन संग्रह करके चुनाव लड़ा। हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसको निभाना है। और जब एक गरीब मां का बेटा एक चाय वाला मैदान में हो तो देश हमारे भंडार भर देगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।